क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल को ट्रैक कैसे किया जाता है? आपके मोबाइल के आईपी एड्रेस की मदद से आपको ट्रैक किया जाता है, पर क्या आप लोग जानते हो कि आईपी क्या है, यह काम कैसे करता है और इससे आपके मोबाइल की लोकेशन कैसे ट्रेस होती है? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जब आप कोई भी कार या बाइक खरीदते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि नंबर प्लेट पर लिखा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन का कुछ गलत काम करता है, जैसे कि एक्सीडेंट कराना और भी बहुत सारे कुछ गलत काम करता है, तो इस नंबर की मदद से उस वाहन के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त आप आईडी प्रूफ सब देते हो तो आपको एक नंबर देता है। ये नंबर इसलिए मिलता है ताकि अगर कोई मोबाइल फ़ोन या उस नंबर से कोई गलत काम करता है तो उसका एड्रेस मिल जाए और उस तक पहुँचा जा सके। इसी तरह जब आप इंटरनेट ऑनलाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि वाईफाई, तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। फिर आप जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो जो वेबसाइट का मालिक होता है उसके पास आपकी सारी जानकारी चल जाती है कि आप कौन हो, आप कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ तक कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है इसका भी पता चलता है। यानी आईपी एड्रेस को अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं इनके बीच में जो भी संचार हो रहा है वो सभी संचार आईपी एड्रेस की मदद से ही होता है। कोई भी नहीं जानता कि आपके कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का नाम क्या है, परंतु उसको आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस पता होता है। तो इंटरनेट से जितने भी उपकरण जुड़े हैं, चाहे वो फ़ोन या कंप्यूटर हो या फिर आईओटी डिवाइस हो, जैसे कि घड़ी, फ्रिज और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो आईपी एड्रेस से जुड़े होते हैं, यह एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनी से मिलते हैं। मान लीजिए आपका सिम कौन से भी कंपनी का हो, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन का हो, जब भी आप कोई नया सिम खरीदते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है और इन कंपनी को आईपी एड्रेस देने वाली एक एजेंसी होती है। उस एजेंसी का नाम है IANA। इसका मतलब है कि इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। यह कंपनी पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है और ये देखते रहते हैं कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया गया है। अभी हम बात करते हैं कि घर बैठे किसी का भी लोकेशन को ट्रेस कैसे किया जा सकता है। INA की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, किस देश में रहता है, किस सिटी में रहता है, परंतु उसके रियल टाइम लोकेशन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आईपी एड्रेस सभी यूज़र को दी जाती है। आईपी सभी कंपनियों को दिया जाता है, जैसे कि आइडिया, जियो, वोडाफोन, सभी कंपनियों के पास अपनी अपनी आईपी होती है और एक कंपनी के पास अपने आईपी का डेटाबेस भी होता है और वो अपने आईपी एड्रेस के डेटाबेस को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखती है। इन कंपनियों को पता होता है कि यूज़र ने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, साथ ही उसका नाम क्या है, जो कि आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए उसने सिम ले आया है, इससे उसका सिम का नंबर पता चलता है, उससे व्यक्ति का घर का पता चल सकता है, परंतु ये सबको दिया नहीं जाता। इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर आता है या फिर IFSC का हस्तक्षेप होता है, तभी यह सबको बताया जाता है। ये किसी वेबसाइट या कोई इंसान के हाथ में नहीं होता। आईपी के जरिए रियल टाइम लोकेशन बताई जा सकती है, पर ये सबको बताई नहीं जा सकती। इसी प्रकार मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर आपको आईपी एड्रेस की मदद से ज़रूरत पड़ने पर आप उस व्यक्ति का रियल टाइम लोकेशन पता लगाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।